किससे मिलना है? मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, मिसेस शुक्रान ने बुलाया है मुझे, मैं एमएल हूँ। प्लीज आप यहीं रुकिए। कम इन प्लीज। थैंक यू वेरी मच। इमेल, बताओ तो कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? आ जाओ अंदर। See you, honey. Have a good day, darling. ख्याल रखना। You too. सेल्डा मैम से मैंने तुम्हारे बारे में बात की और मैंने बताया कि तुम कहाँ काम करती थी और तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें जरूर काम मिलेगा। मुझे भी लगता है शुक्रान, मेरी पीठ की प्रॉब्लम, उसके बाद मेरी सर्जरी और फिजियोथेरेपी की वजह से मैं एक साल से काम नहीं कर पाई हूँ। सारी जिम्मेदारी असलो उठा रही है। पढ़ाई भी पूरी नहीं की ना? हाँ नहीं की, जबकि वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। इसी बात का बुरा लगता है, इस साल मुझे किसी भी तरह असलो को यूनिवर्सिटी भेजना ही है, इसलिए काम मिलना बहुत जरूरी है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अब चलो मैं तुम्हें सेल्डा मैम से मिलवाती हूँ। सेल्डा मैम कैसी है? जब तक काम ठीक ठाक चलता है वो हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। आ जाओ। मिस सेल्डा। ओह माय गॉड, बुरक महजरोलू हाई सोसाइटी के जाने पहचाने चेहरे रात में औरतों के साथ देखे गए। ओ, मुझे मार के खुश हो गए। सेल्डा मैम, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कुछ कहने वाली थी क्या? मैंने आपको एक कुक के बारे में बताया था ना? मिस एमिल, नाइस टू मीट यू। मिस सुक्रन आपको सब कुछ बता देंगी। अगर आप सेटिस्फाइड हुई तो कल से आप काम शुरू कर सकती हैं। थोड़े दिनों का ट्रायल पीरियड होगा, अगर सब ठीक रहा तो। जैसा आप कहें। चलो। बुरक, बो, ये सब क्या है? कितनी बदबू आ रही है यहाँ। ओह, सो डर्टी। ओह, अब उठ भी जाओ। ओहो, अब उठ जाओ, तुम्हें वक्त का अंदाजा है। बुरक। मॉम, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? अभी बताती हूँ तुम्हें क्या कर रही हूँ। तुम फिर से खबरों में हो और ये पहली बार नहीं हुआ है। मेरी तरफ देखो, तुम्हारे डैड ने पता नहीं कितनी बार तुम्हें वार्न किया होगा। अब बताओ तुम्हारे पास ये कौन लड़की खड़ी है? सर, चलो हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। मेरी दोस्त है मॉम। दोस्त जैसी दिख तो नहीं रही मुझे। सच बताओ, तुम्हारा और कागला का ब्रेकअप हो गया है ना? नहीं मॉम। तो फिर ये सब क्यों लिखा है इसमें? ऐसी न्यूज आए ही क्यों? पता नहीं तुम कागला को क्या समझाओगे और पता नहीं मैं उसकी मॉम को क्या जवाब दूंगी। क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुमने मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। बस करो मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। अब जबरदस्ती स्ट्रेस मत लो, वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड है।
वोल्कन की गर्लफ्रेंड? वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड है? फिर तो ठीक है, मुझे कितना टेंशन हो गया था। ऐसा मत किया करो प्लीज, मुझे टेंशन मत दिया करो, दिस इज टू मच फॉर मी। नहीं मॉम, वोल्कन हमसे पहले ही निकल गया था और हम उसके बाद निकले थे। जब रिपोर्टर्स फोटो खींचने लगे तब मैं गुस्सा हो गया था। आप वोल्कन को अच्छे से जानती है, वो अंकल से कितना डरता है। वो कार में बैठ के चला गया और ओ मेरा बच्चा, मेरी जान है तू, उसको बचाने के लिए खुद की रेपुटेशन को तूने दांव पर लगा दिया। वाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अदा। गुड मॉर्निंग अनी। गुड मॉर्निंग डैड। इधर जल्दी ब्रेकफास्ट खा लो, हमें निकलना है। मैंने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें क्लब में मिलूंगी। तो ठीक है, चलते। थैंक यू। क्या बात है, बड़ी जल्दी उठ गए। तुमने अभी तक न्यूज़ नहीं देखी? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? रात को कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था। तुझे पता है ना, मैं जब नशे में होता हूँ तो ब्यूटीफुल लड़कियों को मना नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल पता है। अच्छा तो फिर हुआ क्या, उन्होंने तुम्हारा फोटो लेके तुम्हारे साथ बदतमीजी की क्या? मैं और क्या करता, कागला को देख लेने देता। थोड़ा कंट्रोल रख लिया करो ना यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ अभी तो सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है उसे इजमिर गए हुए, और तुम कहते हो उससे प्यार करते हो, ये प्यार है? सिर्फ प्यार की वजह से मैं एक ही लड़की के साथ रहूं? Not fair bro। एक बात बताऊं, इस बार तो तुम गए। Absolutely not। मैं उससे कहूंगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या कहा तुमने, मेरी गर्लफ्रेंड? देखो प्लीज मुझे इन सब के बीच में मत लाओ। ला चुका हूँ मेरे भाई, चल ऑफिस में मिलते हैं। प्लीज बुराक, बुराक काम हो गया। Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.